एल जी का एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। नॉर्मली ये स्नो जो आ रहा है वो सही है, लेकिन इसका अभी पावर ऑफ ऑन करता हूँ, ये भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर आप इनपुट को दबा देते तो ये देखिए, ये है इसका प्रॉब्लम। ये इसका प्रॉब्लम, तो आज हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस केस में हमने पहले क्या देखना है, पहले देखना है कि पैनल वोल्टेज सही है या नहीं। तो पहले हम देखेंगे पैनल वोल्टेज। ये पैनल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट के करीब दे रहा है, 4.8 दे रहा है। तो पहले एक बार बंद करते हैं, इसके बाद फिर से चालू करते हैं। चालू करने के बाद देखिए पैनल वोल्टेज थोड़ा डाउन दे रहा है। तो चलिए इसका पैनल का जो टिकॉन बोर्ड है उसे हम खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं इसका एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो चलिए ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ के एक बार एलबीडी केबल खोलने के बाद वोल्टेज दिखा लेते हैं कि क्या कंडीशन है। देखिए 5 वोल्ट बराबर आ रहा है, लेकिन लोड पड़ने से ऐसे वोल्टेज जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पर हमने एक काम करके देखेंगे कि यहाँ पर पैनल वोल्टेज को 5 वोल्ट अलग से देंगे, इसके बाद अगर स्टेबल रहेगा तो ठीक है। टिकॉन बोर्ड भी सही है, इसका कोई डस्ट और फंगस नहीं है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर हमने करेंगे इसको जो सप्लाई है उसे सप्लाई को ऐसे एक मॉड्यूल के जरिए हमने इसे 5 वोल्ट को सप्लाई को देंगे, तो देखेंगे क्या होता है। तो चलिए अभी हमने सप्लाई को देंगे। यहाँ पर इसका 19 वोल्ट का सप्लाई, यहाँ पर इसका ग्राउंड, यहाँ से जो आउट होता है उसे दिखा देते हैं आपको एक बार। उसके बाद हमने कनेक्ट करेंगे, सप्लाई को पहले चेक करेंगे क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होने से आपका डिवाइस ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए सप्लाई आ गया, यहाँ देखिए 5 वोल्ट, इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसे कनेक्ट करेंगे इसका जो पैनल सप्लाई है उसके पॉइंट पर। अभी कनेक्ट करने के बाद ठीक है, एक बार छोड़ देते हैं। अभी इसका पावर ऑन करते हैं, अभी दिखाते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम था वो है या नहीं। यहाँ पर देखिए अभी इनपुट बटन को दबा देते हैं, देखिए जहाँ कोई भी देना है दे दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो
अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम मिले तो चेक करिएगा कि इसका पैनल सप्लाई जो है वो सही है या नहीं। अगर सही होगा तो अदर सॉकेट में होगा फॉल्ट, लेकिन अगर सही नहीं है तो पहले पैनल सप्लाई को सही करिएगा, उसके बाद आगे के प्रोसेस करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।